नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा की चार और एक लोकसभा सीट पर मतों की गिनती का काम पूरा हो गया है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की बालीगंज, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचहां और महाराष्ट्र में उत्तरी कोल्हापुर, जबकि लोकसभा सीट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल शामिल है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि चार राज्यों में वो एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि बिहार में वो गठबंधन में रहते हुए सरकार चला रही है। पांच राज्यों के चुनाव में मिली करारी हार से परेशान कांग्रेस को दो राज्यों में दो सीटों पर जीत मिली है और उसे इसके लिए थोड़ी सी राहत माना जा सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चला है और बिहार में आरजेडी ने अच्छी कामयाबी हासिल की। टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो बालीगंज सीट पर चुनाव जीत गए हैं। बाबुल सुप्रियो ने 20,000 से अधिक मतों के अंतर से सीपीएम की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को हराया है, जबकि आसनसोल सीट से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी जीत गए हैं। बिहार की बोचहां सीट से आरजेडी के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,000 वोटों से हरा दिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले राजनांदगांव की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार यशोदा नीलांबर वर्मा 20,000 वोटों के अंतर से जीती हैं। उत्तरी कोल्हापुर सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयश्री जाधव ने जीत दर्ज की है। जाधव ने बीजेपी के उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 19,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया है। विधानसभा सीट पर खुद के और आसनसोल की लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए नेता बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रियो ने बीजेपी की आसनसोल में हार के बाद ट्वीट कर कहा कि उन ईर्ष्यालु भाजपा नेताओं के चेहरों को देखना चाहते हैं जिन्होंने कभी मेरी मेहनत को ऐसी जगह के लिए स्वीकार नहीं किया जिससे मैं प्यार करता हूं, और ये कहकर मेरा मजाक उड़ाया कि आसनसोल में तो बीजेपी की ओर से एक माचिस की तीली भी जीत जाएगी। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उनको एक तमाचा लगाने के लिए आसनसोल को प्यार। वहीं आसनसोल लोकसभा सीट से जीत के बाद शॉटगन सिन्हा ने कहा कि वो आसनसोल के लोगों और इस जीत के लिए ममता बनर्जी के आभारी हैं। बता दें, सिन्हा यहां से 3,00,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। आसनसोल सीट टीएमसी ने पहली बार जीती है। कांग्रेस ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कहा है कि वो पार्टी में शामिल हों और सलाहकार के रूप में काम ना करें। शनिवार को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है और पार्टी की कमजोरियों पर और सुधार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी कांग्रेस नेतृत्व को दिया है। जैसे कि कांग्रेस को लोकसभा की 543 में से 370 सीटों पर फोकस करना चाहिए। एनडीटीवी के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है और पार्टी उनके सुझावों और विचारों पर काम करने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। एनडीटीवी के मुताबिक प्रशांत किशोर के नजदीकी लोगों का कहना है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और प्रशांत किशोर गुजरात विधानसभा चुनाव से ज्यादा 2024 के आम चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डर, धोखा और डराना इस तथाकथित मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की रणनीति के स्तंभ बन गए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में बहस, चर्चा और बातचीत को पूरी तरह से नकार दिया गया है। सोनिया का दावा है कि इससे पहले इस देश ने ऐसी नफरत नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री को स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से उस हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने से रोकता है, चाहे वो कहीं से भी आए। कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक सोनिया ने कहा कि क्या भारत को हमेशा के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग तो स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि भारत के नागरिक ये विश्वास करें कि ऐसा वातावरण उनके लिए सबसे ज़्यादा हित में है। हनुमान जयंती पर भोपाल के पुराने शहर से निकलने वाली शोभा यात्रा की अनुमति भोपाल पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए रद्द कर दी। हालांकि पहले ये अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि शोभा यात्राएं भोपाल के पुराने शहर क्षेत्र को छोड़कर शहर के अन्य हिस्सों से होकर गुजर सकती हैं। काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने DGP सुधीर सक्सेना और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करके हालात से सतर्क कराया। मौलवियों ने हनुमान जयंती जुलूस के लिए दी गई अनुमति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूस निकालना खतरे से भरा होगा। जय मां भवानी हिंदू संगठन के उपाध्यक्ष नवीन खरे ने खेड़ापति हनुमान मंदिर से हनुमान जयंती जुलूस की शुरुआत करने की अनुमति मांगी थी। गुजरात में चार बड़े सरकारी फैसले वापस ले लिए गए हैं। इनमें से दो फैसले केंद्र की सरकार ने लिए थे। इन फैसलों को लेकर किसानों, पशुपालकों, आदिवासियों और कपड़े के काम से जुड़े संगठनों ने विरोध जताया था। इन फैसलों में शहरी इलाकों में गुजरात मवेशी नियंत्रण बिल भी शामिल है। इस बिल को 31 मार्च को ही विधानसभा में पास किया गया था। कांग्रेस ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया था।
इसके अलावा पारंपरिक रूप से पशुपालन करने वाले मालधारी समुदाय ने भी इस बिल का विरोध किया था। इससे पहले 29 मार्च को राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार ने कृषि क्षेत्र को 6 घंटे के बजाय 8 घंटे बिजली दिए जाने के फैसले को पलट दिया था। राज्य की बीजेपी सरकार को परितापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के मामले में एक फैसले को वापस लेना पड़ा। एक अन्य फैसले में टेक्सटाइल के सामान पर GST को 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य संगठनों ने कहा कि इससे उनके कारोबार और लाखों लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। बता दें, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य की बीजेपी सरकार किसी समुदाय की नाराजगी लेकर राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे काफी आक्रामक दिख रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के द्वारा राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताए जाने के बाद मनसे की ओर से शिवसेना के मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, तुमने ओवैसी किसे कहा संजय राउत, अपने लाउड स्पीकर बंद करो, इस वजह से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दिक्कत हो रही है, वरना हम तुम्हारा लाउड स्पीकर मनसे स्टाइल में बंद कर देंगे। संजय राउत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ओवैसी हैं। संजय राउत का मतलब ये था कि मनसे राज्य में वोट काटने का काम करेगी, जैसे उनके मुताबिक ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो राज्य में 1 जुलाई से हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर ऐसा करने का वादा किया था। पार्टी ने और भी कई चुनावी वादे किए थे और उन पर वह कब आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। भगवंत मान सरकार ने कहा कि उसने अपने एक महीने के कामकाज में एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत करने, 25,000 नई सरकारी नौकरियां दिए जाने का ऐलान करने, 35,000 ठेका आधारित कर्मियों को नियमित किए जाने, घरों तक राशन की डिलीवरी किए जाने, किसानों को 101 करोड़ से अधिक का मुआवजा राशि जारी किए जाने जैसे अहम कदम उठाए हैं। पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और उन्होंने राज्य को बड़ी वित्तीय मदद देने की अपील की थी। तब ये सवाल उठा था कि अगर पंजाब का खजाना खाली है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले इतने बड़े वादे क्यों किए कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे दिल्ली का मुंह देखना पड़ा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बर्बरता से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गाँव में शुक्रवार रात को हुई है। मृतकों में 42 वर्षीय राहुल तिवारी, 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियां भी शामिल हैं। बेटियों की उम्र 12, 7 और 5 साल बताई गई है। पुलिस हत्या के पीछे क्या वजह है ये पता करने में जुटी हुई है। हत्या की इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। जिले के तमाम बड़े पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े सबूतों को इकट्ठा किया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया और पुलिस अफसरों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को नेशनल असेंबली का स्पीकर चुना गया है। सत्र की शुरुआत में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाषण दिया और देश की ऊर्जा समस्याओं का उल्लेख करते हुए पिछली सरकार पर कहा कि इससे ज्यादा अक्षम सरकार पहले कभी नहीं आई। सत्र की शुरुआत में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाषण दिया और देश की ऊर्जा समस्याओं का उल्लेख करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि इससे ज्यादा अक्षम सरकार पहले कभी नहीं आई और उनका दिल पत्थर का था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।